यादों के हंसी बुत खाने से हर चीज उठा दी जाएगी। ये जो दुनिया है खूबसूरत याद है। लोग इस दुनिया में आते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं, और उसकी याद लोगों के जहन में होती है। लेकिन जब वो आदमी मर जाता है तो धीरे धीरे उसकी यादें भी खत्म हो जाती है। इस बात को शायर ने यहाँ पर बयान किया है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे जानने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि यहाँ दूसरे इंसान आएंगे और ये दुनिया इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों की जबान से गाऊंगा, जब बीज हंसेंगे धरती में और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। शायर कह रहे हैं मैं तो मर जाऊंगा लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया में दूसरे इंसान आएंगे, दूसरे इंसान की सूरत में मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि इंसान की फितरत एक जैसी होती है, ये दुनिया चलती रहती है और दूसरे इंसान में मैं नजर आऊंगा। बच्चे जब बोलेंगे तो उसमें मेरी आवाज लोगों को सुनाई पड़ेगी, चिड़ियों की चहचहाट मैं बोलूंगा, इसमें भी आपको मेरी आवाज नजर आएगी। उसके बाद शायर कह रहे हैं कि जब बीज हंसेंगे धरती में, यानी जब धरती में या जमीन में जब बीज बोया जाता है और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेगी, बीज जब जमीन में डाला जाता है तो कुछ दिनों बाद कोपले फूटती है, उसको यहाँ पर शायद बयान कर रहे हैं, यानी मिट्टी से बाहर जब कोपले बाहर आएंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। शायर कह रहे हैं कि उस पत्ती में उस कली में मेरा वजूद होगा, क्योंकि वो भी जिंदगी जीते हैं, और सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूंगा। शायर कह रहे हैं कि उस दरख्त में मेरी जिंदगी की झलक होगी और पेड़ के पत्तों पर शबनम के कतरे गिरेंगे तो उसको मैं तोलूंगा।